नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में। और आप देखोगे तो अभी मैं कॉलेज में हूँ, सीपेट कॉलेज में, मतलब सीपेट इंस्टीट्यूट है उसमें हूँ। ये सीपेट इंस्टीट्यूट क्या चीज़ है और यहाँ पे स्टूडेंट्स की लाइफ कैसी रहती है, मेरी लाइफ किस तरीके से है, सारा कुछ मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि ये चीज़ क्या है, ठीक है। और आपके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा ये वीडियो। क्यों बोल रहा हूँ ये भी मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फिलहाल तो अभी नाश्ता करने जा रहा हूँ मैं। ये मेरा फ्रेंड प्रतीक और हम नाश्ता करने जा रहे हैं अभी इधर पे, ठीक है। नाश्ते में क्या क्या है वो भी दिखाता हूँ। करने के बाद दोस्तों तैयार होने के लिए आया हूँ और अभी एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो बाहर का कैंपस काफ़ी बढ़िया सा है। यहाँ पर शाम को क्रिकेट भी होता है और ये देखिए, ठीक है। दोस्तों 9 बजे, अभी 9:30 बजे है और वर्कशॉप में आए हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये देखो ये वाले टी शर्ट, ये वाले शूज, ये शूज इंस्टीट्यूट की ओर से है, ठीक है। और अंदर क्या क्या चीज़ें हैं सारा कुछ मैं आपको दिखाता हूँ, तो चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों अभी जो मैंने मशीन आपको दिखाई, मिलिंग मशीन, वो स्टील के लिए है। और अभी मैं जो दिखा रहा हूँ ये वाली मशीन है, ये प्लास्टिक के लिए है। देखिए यहाँ पे छोटे छोटे प्लास्टिक के दाने भी रखे हुए हैं, ये देख सकते हो आप, ठीक है। ये प्लास्टिक के दाने इसमें जाते हैं और जॉब तैयार किया जाता है। ये देखो अंदर ये प्लास्टिक के दाने हो गए यहाँ पर और इससे जॉब तैयार होता है यहाँ पर जहाँ करके, ठीक है। तो ये कुछ एडवांस लेवल की मशीनें हैं और वो जो है वो बेसिक है, मतलब उस पर पहले सिखाया जाता है, उसके बाद ये एडवांस लेवल की मशीनें आती है। वहाँ पर सामने जो वर्कशॉप दिख रहा है उसमें जा कर के मैं आपको एडवांस मशीनें भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले यहाँ पे आपने जो देख रहे हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर जो भी रखा हुआ है वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो बेसिक मशीन है ये भी एक, इसमें ऐसी स्पूल्स बनती है, ऐसी स्पून से ये बनती है, और भी बहुत सारे जॉब्स बनते हैं यहाँ पर, मतलब और भी बहुत सारी चीज़ें बनती है। लेकिन ये स्पून देख सकते हो आप, कुछ इस तरीके से ये बनाई जाती है इन मशीनों में, ठीक है। तो ये प्लास्टिक के लिए है और वहाँ पर जो मशीनें हैं वो स्टील के लिए है। देखो दाने देवीलाल, ये देखिए दाने अलग अलग कलर के रहते हैं ये। ये देखो सब मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है प्लास्टिक का, रिसाइकल करने के लिए भी यहाँ पर है। अभी मान लीजिए ये वेस्टेज है तो इसको वापस से ऐसा बना दिया जाएगा इसमें डाल डाल कर, ठीक है। और उसके बाद वापस से यही जॉब तैयार होगा। सो दोस्तों अभी मैंने आपको यहाँ पे बेसिक्स मशीन दिखाई, अभी मैं आपको एडवांस मशीन दिखाता हूँ, जो आपको कुछ इस तरह कैसे ये वर्कशॉप देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे आपको काम करते हुए दिख जाएंगे।
मैंने आपको दिखाई ये मशीन, ये मेटल के लिए है, और अभी मैं आपको प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है वो दिखाता हूँ। यहाँ पर प्लास्टिक के कुछ सामान बनते हैं वो दिखाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये मशीन से आप देख रहे हो, ये वाली है, ये मशीन है, वो वाली मशीन है, इनमें सब ये सारी कुछ इस तरह का प्रोडक्ट्स जो है वो तैयार होते हैं। यहाँ पर आप देखोगे इस प्रोडक्ट को बनते हुए, आपने देखा ये देखो अंदर इस तरह का है, ये प्रोडक्ट्स यहाँ पर तैयार होते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें तैयार कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ये बोतल का है, और भी बहुत सारी मशीन्स यहाँ पर लगाई हुई है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। सारे के सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे कुछ इस तरीके से बने हैं। ताकि ये क्या चीज़ है, एक फ्लावर जैसा है, लेकिन ये असल में चम्मच है, आप देखोगे तो ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप अगर यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आते हो तो इन मशीनों पे मैन्युफैक्चरिंग भी होगा और आप ट्रेनिंग भी ले पाओगे, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे CNC लेथ मशीन और मिलिंग मशीन है, ठीक है। तो दोस्तों, वर्कशॉप में प्रैक्टिकल के लिए गए थे, अभी लंच टाइम है, 12 बज चुके हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप ITI किया है आपने और डिप्लोमा भी किया है आपने, या तो फिर आप ऐसे ही घर पे पढ़े हो, तो आप यहाँ पर आकर के कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। 3 मंथ का कोर्स रहता है, डिप्लोमा, ITI और एक ग्रेजुएट 10 पास, ITI, ठीक है। तो घर पे आप बैठे हो ऐसे ही, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके कॉन्टेक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो, जॉब भी आपको यही लोग लगवा देंगे, ठीक है। ये देखिए हॉस्टल। दोस्तों, रोटी, चावल, दाल और ये पता नहीं कौन सी सब्जी। चलिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल ये देखो ग्राउंड किस तरीके से है, खाने के लिए जाना है, लेकिन उससे पहले थोड़े से यहाँ पर मैं पैसे कमा रहा हूँ, पैसे बना रहा हूँ। देखोगे तो आप कुछ इस तरीके से गेम खेल खेल करके, अभी 500 जो है मैंने विड्रॉ कर लिए हैं, 100 रुपये डाल के। और अभी और भी चल रही गेम अच्छी खासी, उसके बाद खाना खाने जाऊंगा। अभी यूनिफॉर्म चेंज कर लेते हैं, उसके बाद खाने में क्या है मैं सारा कुछ आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा गेम खेल लेता हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? खाना खाने। चलिए दोस्तों, खाना खाने चलते हैं। ये देखो, टाइम टाइम पे सब मिल जाता है यहाँ पर, ये रोटी है, दाल चावल है, सब्जी है, देख सकते हो। ये देखो, सब लोग आजकल, पहले दूर दूर बैठते थे, आज सभी के सभी एक ही ग्रुप में बैठते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों, जैसे कि आपने देखा,
लाइफस्टाइल पूरी हॉस्टल की इस तरीके से रहता है इसी पेट में। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से, अगर आपने डिप्लोमा किया है, या तो मैंने पहले भी आपको बताया डिप्लोमा किया है, आईटीआई किया है, या तो आप घर पे ऐसे ही पढ़े हो, तो आप यहाँ पर आ जाओ, 100% ये लोग आपको जॉब दिलवा देंगे। 100% बोल रहा हूँ मैं, 100% यहाँ से जॉब आपको मिल जाएगी, घर पे ऐसे पढ़े तो नहीं रहोगे। और एक चीज़ दूसरी, यहाँ पे टाइमिंग पे सारी कुछ चीज़ें टाइमिंग पे होते हैं, टाइमिंग पे खाना, टाइमिंग पे उठना, टाइमिंग पे सोना, सारी कुछ चीज़ें टाइमिंग पे। आप यहाँ से 3 मंथ का कोर्स है बिंदास ही कर लो, उसके बाद आपके पास जॉब अपने आप सामने से आ जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बस दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। प्रतीक लाल, खाना खाने के बाद ये भाई ऐसे घूम रहे हैं यहाँ पर। भाई।